हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ सफदरजंग टोक में एंड यहाँ आने के लिए यू कैन टेक अ मेट्रो या फिर आप बस से भी आ सकते हैं। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है इस टूम के पास वो है जोरबाग, और वहाँ से जोरबाग से मुश्किल से 10 मिनट आपको वॉकिंग डिस्टेंस है। तो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स टेक अ टूर। तो ये है एंट्री गेट और यही राइट साइड में आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी टिकट्स ले सकते हैं जिसका प्राइस है 20 पर पर्सन। सफदरजंग का मकबरा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के वजीर सफदरजंग का एक समाधि स्थल है। ये मुगलों द्वारा बनाया जाने वाला दिल्ली का आखिरी बगीचे वाला मकबरा है। ये मकबरा चारों तरफ से बागों से घिरा है जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, और इन बागों में खिलने वाली फूलों की सुगंध तो आपके दिन को जरूर महका देगी। सैटरडे संडे छुट्टी होने के कारण यहाँ पर्यटकों की संख्या अधिक होती है, तो अगर आप कम भीड़ के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो वीकडेज पर आइएगा। सफदरजंग का मकबरा मुगल काल की वास्तुकला की भव्यता का प्रमाण देता है और शहर की भागदौड़ के बीच में एक शांत स्थान के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह के चार मीनारों की झलक काल के अन्य वास्तुकला के स्मारकों जैसे ताजमहल, हुमायूं का मकबरा आदि में भी आपको देखने को मिलती है। ये अंधेरे कमरे यहाँ की नक्काशी में मुगल वास्तुकला की झलकियों को साफ साफ दर्शाते हैं, लेकिन समय के साथ इसका प्लास्टर फीका पड़ गया है। जिस शांति और सुकून के लिए मैं यहाँ आई थी वो तो मुझे मिला ही, साथ ही कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो गई। कुछ साल पहले आई थी यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ। वो दोस्त अब साथ तो नहीं है, लेकिन वो सारी यादें आज भी उभर आती हैं जैसे मानो कल ही का तो दिन हो। इस स्मारक का महत्व शायद सबके लिए अलग हो, लेकिन मेरे लिए इससे जुड़ी कई यादें हैं जो इस स्मारक से जुड़ी हैं। मेरी यादें, मेरे दोस्तों की यादें, उनके साथ बिताए गए हर एक पल की याद। ये स्मारक कई वर्षों से मेरे जैसे कई लोगों की कहानियाँ संजोए हुए हैं। मिलने की कहानियाँ, बिछड़ने की कहानियाँ, दोस्तों की कहानियाँ और न जाने क्या क्या। इसलिए इस जगह को खंडर बनता देख दुख तो बहुत हुआ। समय मिले तो आना ज़रूर, आपकी कहानी भी तो अभी शुरू होनी है। दिस प्लेस इज लश ग्रीन, मतलब आपको हर जगह ग्रीनरी दिखेगी, परफेक्ट फॉर फोटोशूट्स। और मैंने यहाँ पर कई बार देखा भी है कि कई लोग यहाँ पर आते हैं फोटोशूट कराने, वीडियो शूट करने आते हैं। तो इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर अ पिकनिक। पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छा है, यू कैन कम विद योर फ्रेंड्स, फैमिली और कजन्स, किसी के भी साथ आ सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड दिस प्लेस। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा।